हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और कल मैंने जहाँ पे ब्लॉग को एंड किया था वहीं से ये ब्लॉग शुरू हो रहा है फिर से। और कैसे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और बहुत सारे ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि फ़िलहाल मैं इस टाइम पे कहाँ पे हूँ, तो मैं इस टाइम पे आ गई हूँ चंडीगढ़, लेकिन ब्लॉग्स आपको सब मिलेंगे, थोड़े लेट मिल रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्या था, उसके बाद फिर ससुराल, ससुराल से फिर यहाँ चंडीगढ़ काफ़ी ट्रेवल हो गया, तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी कुछ दिन तक उसके बाद। लेकिन मैं ब्लॉग पूरा शेयर करूँगी क्योंकि मैंने सारा शूट किया है। और आप लोगों को शादी वाले ब्लॉग्स का वेट है तो बस आप थोड़ा सा वेट कर लो, इसके बाद हल्दी का ब्लॉग, उसके बाद शादी का ही ब्लॉग आने वाला है। तो यहाँ पे शुरू हो गई है रस्में, यहाँ पे बड़ी मम्मी हैं और मम्मी हैं, और जो भी रस्में होती हैं मटकोर में वो किया जा रहा है। और इस टाइम पे हूँ मैं चंडीगढ़ में, तो मैं यहाँ पे भी शादी वाले ब्लॉग्स में कुछ क्लिप इंक्लूड करूँगी, तो यहाँ के चंडीगढ़ वाले ब्लॉग्स, तो आप लोग उसको वॉच करिएगा। और शादी के बाद भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हों, आप लोग बिल्कुल खुश हो जाओगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो यहाँ पर जो रस्में रिवाज हैं हमारे घर के, और वो सब शुरू हो गया। यहाँ पर सारे घर के लोग जो हैं यहाँ पर खड़े हैं, मामी मासी और आंटी लोग हैं, जो मोहल्ले में की आंटी हैं वो लोग हैं, भाभी लोग हैं। तो इसमें जो भी रस्में होती हैं वो हमारे घर की मतलब बड़ी मम्मी और भाभी लोग ही करेंगे। तो यहाँ पे शुरू हो चुकी है मटकोर की रस्में। यहाँ पे जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती है, दीप जलाई जाती है, वो सब भी हो चुका है। और जो कुदाल होता है उस पर ऐसे तिलक लगाया जाता है पांच जगह, उसके बाद जो भी रस्में हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दे, और मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ भी मैं मटकोर की कुछ क्लिप्स डालूंगी जो इसमें नहीं होगी, डांस वगैरह की मैं वहाँ भी डालूंगी। सो आप लोग वहाँ पर मुझे फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। चूल्हा सींचे
यहाँ पे माटी कोड़ने की जो रस्म है वो शुरू हो चुकी है और मेरी जी माटी कोड़ रही है और यहाँ पे दोनों लोग खड़े हो गए हैं। पहले तो सिंदूर लगाना था, वो सिंदूर लगाया और जो भी रिक्वल है तो इधर के पता, इधर के लोग हैं उनको पता होगा। और ये जितने भी हैं यहाँ पे झीके, यहाँ बड़ी मम्मी बैठी हुई है और ये मम्मी ने स्टार्ट कर दिया अभी। यहाँ पे जो मम्मी ने लिफाफे में दिया है, मतलब मुझे दिया है, दी को दिया है और मेरे बड़े पापा की जो लड़की है उनको दिया है। इसमें पैसे हैं और जो भी चीज़ें देनी है वो मम्मी बाद में देंगी हमें, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। जो भी घर की लड़कियाँ होती हैं उनको दिया जाता है मटकोर के टाइम पे, ये एक रस्म है। भरली दाउरिया हो से माटी चूल्हा सींझे, कोहरत के भात हो से माटी चूल्हा सींझे, कोहरत के भात हो। देव दान हो दान तहुए अम्मा, निग जोग व्यवहार हो यहाँ पे। दी के हाथों पे मम्मी कुछ हाथ से जो हल्दी होता है वो हाथ पे छाप दिया जाता है उसका, और उसके बाद यहाँ पे फोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराने के चक्कर में काफ़ी हमें लेट हो रहा था।
यहाँ पे माटी कोड़ने के बाद उसके बाद जो घर की बहुएं होती हैं वो यहाँ पे आ रही है, मतलब मेरी बड़ी मम्मी है और भाभी लोग हैं, तीन भाभी लोग, वैसे पांच लोग नहीं हो रहे थे लेकिन लड़की लोग इसमें नहीं खड़ी होती हैं तो इसी वजह से एक जन को दो बार दे दिया जाएगा, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मम्मी लगा रही हैं सिंदूर, सबको सिंदूर लगाएंगी और इस टाइम पर मटकोर में नाक पे से ही सिंदूर लगाया जाता है। सिंदूर लगाने से पहले थोड़ा सा तेल लगाया जाता है सर पर, उसके बाद सिंदूर लगाया जाता है। तो सबसे इधर से आपको जो दो दिख रही हैं वो मेरी भाभी लोग हैं और सबसे साइड में भी भाभी हैं और बीच में बड़ी मम्मी हैं। से माटी चूल्हा सींचे तोहरत के भात हो, से माटी चूल्हा सींचे तोहरत के भात हो, से माटी चूल्हा सींचे। और यहाँ पे जो भाभी लोग हैं उनको मम्मी पांच बार आंचल में दे रही है और पांच बार जो दौरा है उसमें रखा जा रहा है। और उसके बाद ये सब जो है रस्में होने के बाद उसके बाद शुरू होगा, जितने लोग भी यहाँ पे हैं सबको सिंदूर लगाया जाएगा और जो चना होता है वो दिया जाता है। यहाँ के जो बीच के कुछ क्लिप हैं वो मैं अपने सेकंड चैनल पे डालूंगी तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा था और यहाँ पे हमारा चलने लगा है डांस।
ब्लॉग को मैं यहीं तक एंड रखती हूँ और इसके बाद मैं इसके आगे का पार्ट्स आपको दिखाऊंगी। आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इंजॉय किया होगा। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पे ये लोग आ गए हैं डांस करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट आप लोग ज़रूर देखना। बाय बाय।